हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना तो देखिए बस मॉर्निंग यहाँ हो गई है मेरी और आपके साथ मैं पूरा रूटीन शेयर करती हूँ मेरे ब्लॉग में तो बस आज भी मैं वही करने वाली हूँ बने रहिए पूरे ब्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कई रेसिपी मैंने यहाँ पर शेयर करी हैं विंटर स्पेशल तो यहाँ चाय देखिए बन गई थी गुड़ डाल दिया था इसको अभी मैं बस पीऊँगी बैठ के तो कई तरह के यहाँ मैं मग रखती हूँ जब जो ज मन करता है वही लेती हूँ तो यहाँ पर चाय पीऊँगी बैठ ड्राइंग रूम में तो कल मैंने आपको बताया था कि अचार की रेसिपी शेयर करूँगी तो आधा तो मैंने कल ही बताया था उसके आगे का भी देखिएगा मैं पूरा आपको डिटेल में यहाँ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा अचार बनता है ज़रूर बनाइएगा देखिएगा पूरा और बस यहाँ चाय पी ली थी अदरक वाली इसके बाद आ, ये बनाया है मैंने आंवले का जूस तो देखिए मैं न, तुरंत नहीं पीती हूँ वैसे भी यहाँ शेयर करती हूँ तो इतना पंद्रह मिनट में या बीस मिनट में पूरे दिन का दिखाना होता है तो इसमें क्लिप ऐड कर देती हूँ जबकि अभी ये आ, चाय पीने के बाद काफ़ी गैप बीच में लेती हूँ तभी मैं ये पीती हूँ या फिर ज़्यादातर मैं इसको पहले पीती हूँ तो चाय के लिए फिर गैप कर देती हूँ तो ये देखिए यहाँ तैयार हो गया था आमले का जूस और इसमें मैं शहद भी आजकल डालने लगी हूँ आधी चम्मच के करीब तो टेस्ट में ना उतना बुरा नहीं लगता है और कसैला उतना ज़्यादा नहीं लगता है तो ये देखिए अब मैं पी रही हूँ अपना जूस आमले का और इसके बाद अब बनेगा ब्रेकफास्ट तो वही है अभी किचन में आ गई हूँ तो आज ना जो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालकर उस तरह का नहीं बना रही हूँ आज मैंने मूली का पराठा फटाफट वाला बना लिया है क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा थे तो सब्ज़ी वगैरह काटने में ना बहुत टाइम लग जाता है तो यहाँ ये भी आ गया ब्रेकफास्ट करने और ये ले गया था तो मैंने मूली का पराठा बना लिया था उसी आटे में घिस कर डाल देती हूँ कल का ये भरता था और अचार के संग मैंने तो खाया पराठा अच्छा लगता है वैसे सर्दियों में पराठा कई तरह का बनता है गोभी का मटर का और आलू का मूली का चुकंदर पराठा मेथी का बहुत सारे बनते हैं तो कई मैं बनाती हूँ वैसे कम घी में लगाकर ज़्यादा घी का आजकल कोई खाना नहीं चाहता है घर में और बस बेटे को भी यहाँ दे दिया था वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है तो इसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर इधर उधर बैठे थे टाइम स्पेंड किया तो ये ग्यारह बजे का टाइम होता है इस टाइम में फ्रूट लेती हूँ जो भी घर में होता है एप्पल अमरूद जो भी होता है कट करके हम लोग खा लेते हैं इसके बाद ये बर्तन रखे थे धोकर सारे तो इसको भी लगा रही हूँ जगह पर चम्मच वाला ये अलग अलग है स्टैंड तो अब देखिए मैं आपके साथ ना अचार की रेसिपी पूरी शेयर कर रही हूँ तो कल की ये क्लिप मैंने लगाई है यहाँ पर बॉईल कर लिया था एक ही बॉईल करना ये बहुत ही ध्यान रखना है इसको एक ही बार मतलब उसमें बॉईल जैसे ही आ जाए उसको छान लेना है और यहाँ अच्छे से सुखा लेना है किसी टॉवल पे डालकर पंखा चला दिया था मैंने तो ये सूख गया था ऊपर से मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मतलब छूने पर गीला नहीं लगना चाहिए ये पीली सरसों ली है तो अभी मैं बताती हूँ आपको इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है और ये अदरक भी काट कर लिया था तो स्लाइस बहुत पतली सी करके अदरक को भी डाल दिया है तो चार चीज़ें यहाँ हो गई हैं लगभग दो मूली ली थी बड़ी और तीन चार गाजर है यहाँ और थोड़ी सी मिर्ची और अदरक है तो इसमें मिक्सर के जार में यहाँ पर मैं पीली सरसों ले रही हूँ और साथ ही मैंने लाल मिर्ची ली है उसको ग्राइंड कर लिया है तो यहाँ दर्दरा करना है बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना ये देखिए ऐसा होना चाहिए बस अब इसमें ये डाल देंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं तो इसमें पीली सरसों के बाद एक चम्मच भरकर मैंने हल्दी डाली है फिर हींग है तो हींग इसमें ज़रूर डालिएगा अच्छी लगती है और इसके बाद ये काला नमक है और सफ़ेद नमक है दोनों तरह के नमक इसमें डाले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है इसके बाद ये मैंने आ, कश्मीरी मिर्च होती है तो ये थोड़ी सी कलर के लिए डाली है और इसमें आप जो तीखी वाली लाल मिर्ची होती है वो भी डाल सकते पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो उसी से हो जाएगा इसका अब इसमें करना क्या है ये गरम तेल डालना है सरसों का बहुत तेज़ गरम होना चाहिए और बिल्कुल इसको ठंडा करके नहीं डालना है जैसे ही ये अच्छे से उबल जाए तभी इसको डाल देना है और मिक्स कर लेना है ये इसको डालने से ना ये ख़राब जल्दी नहीं होता है गरम गरम तेल और वैसे ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रख के नहीं खाते हैं आठ से दस दिन बस चलता है और इतने दिनों ही अच्छा लगता है ये क्रंच जब तक रहता है इसमें अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ना तो तेल पड़ता है और ना ही मसाले तो इसलिए ये हेल्दी होता है खाने में तो इसमें कोई मैथी नहीं डाली कलौजी नहीं है धनिया नहीं है जीरा नहीं है कुछ भी नहीं है सरसों हल्दी बस यही है तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखिए इसको और इसके बाद ये लास्ट में मैं सिरका डालती हूँ जो व्हाइट वाला होता है विनेगर वो डालती हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दो चम्मच बड़े वाले डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा फिर नहीं खाया जाएगा तो बस ये बनकर बिल्कुल तैयार है कुछ भी अब नहीं करना है इसमें बस बॉईल करते टाइम ज़रूर ध्यान रखिए कि ज़्यादा बॉईल ना हो जाए फिर वो अच्छा नहीं लगता है अब एक साफ़ कंटेनर में कांच के इसको भर लीजिए साफ़ होना चाहिए बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए गंदा नहीं होना चाहिए तो इसमें मैंने भर लिया है और अभी से ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है चार वैसे दो दिन के बाद और भी अच्छा हो जाता है और फिर ज़्यादा दिन के बाद ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है मतलब आठ से दस दिन आप खा सकते हैं इसको तो हमारे यहाँ तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और लंच में तो फिर डेली फिर लेते हैं सभी लोग सबको पसंद है बहुत ज़्यादा तो ये बनने में टाइम नहीं लगता है पर कितने दिनों से आलस में थी मैं बनाना सोच रही थी बनाने को अब देखिए मैंने ये ना लंच में बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ आज कर्ड राइस तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया तो इसमें जो रेगुलर चावल बनता है उससे थोड़ा गीला होता है पानी ज़्यादा डाला है थोड़ा सा और बस चढ़ा दिया है और यहाँ मैंने मशीन भी लगा ली थी तो कर्ड राइस की मैं आपको पूरी रेसिपी दूँगी देखिएगा जरूर बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ मैं आ गई थी नहा के और ये देखिए कुर्ता ग्रीन पहना ये मैंने सिलवाया था इसमें पोल का डॉट का कपड़ा लेके और ग्रीन ये कपड़ा लेके अलग से सिलवाया है तो वही मैं आपको दिखा रही थी तो ये फुल है और ये सर्दियों में ही मैं पहनती हूँ गर्मियों में तो ये पहना नहीं जाता है तो फुल स्लीव्स का हेयर वॉश किए हैं आज भी ठंडा है ठंडा तो अभी रहेगा जनवरी भर तो।, तो बस आज ना मैं आ, लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ कर्ड राइस बनाने वाली हूँ ओनली तो अभी बस फटाफट बन जाएगी कुकर में मैं चढ़ा गई थी और तो हो चुके हैं बन चुके हैं चावल बस उसमें मिक्स करना है अभी कर्ड में तो चलिए चलते हैं किचन में तो बस यहाँ पर ना ये जो मैं रखती हूँ इनके लिए दाना पानी वो काफ़ी गंदा कर देते हैं वही मैं ठीक कर रही थी सारा ऊपर फैला के चली गई है गिलहरी वो एप्पल रखा था मैंने तो उसको मैं साफ सही कर रही थी तो अभी अब जाऊंगी कर्ड राइस बनाने तो एक्चुअली होता क्या है सुबह ना आज पराठा खा लिया है तो फिर लंच में हल्का ही बनाती हूँ और नहीं तो फिर मैं प्रॉपर बनाती हूँ दाल सब्जी तो बहुत अच्छा लगता है वैसे कर्ड राइस भी और तो बस अभी आपके साथ में उसकी रेसिपी शेयर करूंगी तो अभी ना सब घर में सामान जो थोड़ा बहुत इधर उधर फैला रहता है उसको मैं ठीक कर रही थी आ गई हूँ मैं किचन में और तब तक ये चावल बन गया था यहाँ पर तो बस एक सीटी में बन जाता है चावल तो खिला खिला चावल नहीं बनाना होता है इसके लिए बिल्कुल भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिए ये देखिए इस तरह का होना चाहिए तो चावल तो मेरे पास बासमती ही था तो वही मैं खा मतलब खाने में यूज़ होता है हमारे यहाँ तो बस इसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेना होता है और अब ना इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है गरम में दही नहीं मिलाते हैं नहीं तो फट जाता है और साथ ही मैं अनार भी छील रही हूँ क्योंकि कर्ड राइस में अनार बहुत ही अच्छा लगता है तो रखा हुआ था घर में तो इसीलिए मैंने और सोचा था कि सब चीज़ है घर में दही भी जमा हुआ है और ये फटाफट बन भी जाता है और ज़्यादा मेहनत करने का आज मन नहीं हो रहा था अचार वगैरह भी डाला था और भी कई काम किए थे घर के तो बस ये बनाऊँगी मैं और इसके बाद ये अनार अभी छील लेती हूँ और ये देखिए इस तरह से अनार छीलिए तो आसानी से छिल जाता है जो उसके कट बने होते हैं उसमें एक कट लगाकर कर फिर इसका बीज ना आसानी से निकल जाता है जैसे काफ़ी अच्छा निकला था छोटा ही अनार था मेरे पास रखा हुआ था इसमें एक तो ना कड़ राइस में देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो ये यहाँ पर ठंडा हो गया है चावल बस अभी इसको निकाल लूँगी एक बोल में तो जिसमें सर्विंग बोल है इसी में निकाल लेती हूँ इसी में पूरा बनाऊंगी मैं तो अभी ठंडा नहीं हुआ है वैसे ना धुआं निकल रहा है तो वेट करना पड़ेगा तब तक मैंने यहाँ सारा सामान निकाल लिया था काजू है इसमें और ये दाल है उड़द की चने की और जीरा थोड़ा सा है और सरसों के दाने थोड़े ज़्यादा है लाल मिर्ची है करी पत्ता था और ये अनार ये दही हो गया और ये चावल हो गया तो बस इतनी चीज़ें इसमें पड़ती हैं तो बस ये दही पूरा बड़ा जो था ना बोल वो पूरा जमा के मैंने रखा हुआ था तो इसको फेट लेना होता है पहले और फ्रेश ही दही लिया जाता है यहाँ पर तो बस अब ये चावल ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें दही मिला दिया है तो जितना चावल था अभी मुझे दही थोड़ा कम लग रहा था फिर मैंने और डाला था दही जितना भी जमाया था सारा डाल दिया था इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसमें गुठली सी ये ना बने बहुत अच्छे से मिला लेना होता है फिर इसमें मैंने ये नमक डाला है तो इसमें ना मैंने एक चम्मच चीनी भी डाली थी लेकिन वो पता नहीं कैसे मिस हो गया शूट नहीं कर पाई तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली है ज़रूर तभी अच्छा लगता है नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर खट्टा नमकीन सा लगता है और इसको ढक के रख देना है दस मिनट के लिए और बस तब तक यहाँ पर तड़का तैयार कर लेना है तो देसी घी लिया उसमें मैंने जीरा और ये सरसों डाल दिया था चने की दाल उड़द की दाल डाल दी है और साथ ही मैंने लाल मिर्ची काजू सब कुछ इसमें डाल दिया था और लास्ट में पत्ती डाली है ये करी पत्ता जो होता है और थोड़ी सी हींग डाली है तो इतनी चीज़ें इसमें जाती हैं तड़के में बस इसको भून लेना है लो फ्लेम पर हल्का सा बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है काजू भी जल्दी भुन जाता है तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं पर इसमें काजू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बस अभी इसमें तड़का लगा दूँगी तो ये थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए और ये हरा धनिया डाल दिया है इसमें अब ये अनार के दाने डाल दिए हैं और इसमें न आ, काली मिर्ची और पड़ती है जो कि मुझे बाद में ध्यान आया था तो मैंने बाद में ऐड करी है काली मिर्ची तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना कलरफुल एक तो इतना अच्छा लगता है ना देखने में ये और खाने में भी अच्छा होता है डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है ये अब ये मैं काली मिर्च डाल रही हूँ मुझे बाद में याद आया था तो ये भी ज़रूर इसमें डालिएगा बहुत अच्छी लगती है बस अब इसको मिक्स कर लूँगी और सर्व करूँगी तो प्रोबायोटिक फूड वैसे भी कहते हैं बहुत अच्छा होता है इस तरह पहले ना पहले के ज़माने में दही में लोग इस तरह खाते थे रोटी को रख देते थे रात में और फिर सुबह खाते थे वो बहुत ही अच्छा होता है वाइटमिन बी इसमें बहुत अच्छा होता है बी ट्वेल्व तो ये ना बहुत फ़ायदा करता है इसको इसीलिए रखा जाता है थोड़ी देर दस पंद्रह मिनट और वैसे तो अगर रात में इसको घोल के रख दिया जाए सुबह बनाया जाए तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है तो यहाँ मैंने सर्व कर लिया था दो बोल में एक मेरा और एक मेरे बेटे का है और ऊपर से ये और फिर से गार्निश कर दिए हैं अनार तो लग रहा है ना अच्छा और वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था बहुत अच्छा तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा आप लोग बताइएगा फिर कैसा बना है और बस अब मैं चलती हूँ खाने के लिए तो ये मैं अपना ले लेके आई हूँ बोल और बेटे को दे दिया था यहाँ पर तो हम दोनों ने खाया था यहाँ बैठ के और ये मिर्ची तो जो होती है ना हटा देती हूँ ये तो बस देखने में ही अच्छी लगती है इस तरह की मिर्ची खाई तो नहीं जाती है मेरे से सूखी हरी मिर्च तो मैं खा लेती हूँ वो देखो उसने मिर्ची निकाल के मेरे उसमें डाल दी है तो मैं यहाँ बता रही हूँ बहुत अच्छा बनाता और ये मेरी आ गई थी इधर बुलबुल तो लंच के टाइम भी बहुत सारी चिड़िया कौए सब आ जाते हैं ये कुछ रहता है इनको भी टाइम का पता होता है तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है बहुत ही प्यारी देखो जाके, और इसके बाद ये मैना आ गई थी तो बस मैं तो खाना छोड़ के इनको ही देखने लगी थी आकर तो मुझे ना चिड़ियों से पता नहीं क्या है बचपन से ही लगाव है मेरे आ, मतलब मेरे मम्मी पापा बताते हैं जब मैं छोटी थी ना तब भी मैं चिड़िया जहाँ भी दिखती थी तो उनको बहुत घंटों देखती रहती थी पकड़ने के लिए भी उनको बहुत सारे वो करती थी कि हाथ में पकड़ में आ जाए कुछ था ऐसा चिड़ियों से शुरू ही से है मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं और तो मैं बस अभी देखिए देखी खाना खा रही थी छोड़ के आई हूँ और इधर शूट करने लगी हूँ तो काफ़ी ये पास से मैं ले रही हूँ इसको पर ये उड़ी नहीं है देखकर तो ये चिड़िया जो होती है ना सब कुछ खाती हैं कीड़े मकोड़े सब ये भी खाती हैं फ्रूट्स वगैरह भी खाती हैं अनाज भी खाती हैं ये चिड़िया सोना थोड़ा सा चावल दे ना मेरे ए, सोना। और ये कहते हैं ये जो होती ना। है ना मैना ना ये बहुत अच्छा, तो अच्छा बोलती है वैसे लोग कहते हैं कि तोता रिपीट करता है आपकी बात को लेकिन ये मैना बहुत रिपीट करती है अगर ये रेगुलर आपको पास आती है और अगर पेट है तो ये काफ़ी कुछ बोल लेती है तो इसको भी मैं खिला रही हूँ यहाँ पर कर्ड राइस ये देखिए अभी आई दौड़ के राइस खा रही है वो भी सुनो। ऐसे कैसे हो सकता मैं खा लू उसको लगू खा तो एक इसका ना ये कपल में आती है मेल फीमेल मतलब आसपास ही बैठी होती है दूसरी बालकनी में बैठी है हमारे नेबर की बालकनी में तो ये ये देखिए ये चौंच ये, ये साफ, करती साफ करती है ये खाने के बाद अपनी चौंच को साफ करती है तो देखिए जानवर मतलब जानवर और पक्षी प्यार कितना जानते हैं ये लोग भी इनको अगर प्यार किया जाए तो मतलब पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और अभी तो ये बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं मुझे तो अब बाद में खाऊंगी पहले इनको देख तो इसके बाद ना मैंने यहां पर अनार के दाने डाले और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी खा रही है ये देखो गट गट एकदम निगले जा रही है सारी बस अभी यहाँ पर आ, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर अपना आ गई थी मैं आराम करने के लिए यहाँ और ये अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम तो मैं आराम करने की किताब वगैरह पढ़ने के बाद मैं फिर से शाम की तैयारी है तो देखिए दिन में राइस खाया था कर्ड राइस तो सबको आज तो भूख लगेगी डिनर में तो यहाँ पर ना वॉक करने के पहले मैं आटा गूंद कर गई थी अजवाइन नमक डाल के और थोड़ा सा गीला आटा बनाया था तो आज शाम को भी पराठा ही बनने वाला है गोभी का उसकी भी शेयर करूँगी रेसिपी वॉक से आने के बाद आपसे मिलती हूँ फिर से तो बस अभी मैं जाती हूँ वॉक करने नीचे तो बस अभी मैं मिल रही हूँ वापस आ गई थी वॉक करने के बाद सब हाथ पैर के, के इसके बाद मैंने यहाँ पर गोभी घिसी है तो गोभी का पराठा बनने वाला है और ये देखिए अदरक मैं जब भी घिसती हूँ ना तो मैं चोट लगा लेती हूँ ये हार्ड हो जाती है ना आजकल की अदरक तो अगर उसको थोड़ा सा कसके मत पकड़िए तेज मत अच्छे से टाइटली तो ये फिसल जाती है हाथ में बहुत बच गया है हाथ कट जाता और यहाँ पर मैंने अदरक घिस कर डाली है प्याज भी कट करके डाल दिया है और ये धनिया कट कर रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छा बनता है गोभी का पराठा तो इसकी भी मैंने आज रेसिपी शेयर कर दी है पूरी ये भुना हुआ जीरा पाउडर है काली मिर्च का पाउडर है और ये चाट मसाला था लाल मिर्ची का पाउडर है थोड़ा सा और ये नमक है तो बस इतनी चीज़ें इसमें डालती हूँ मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मेरा पराठा ना बहुत भर के बनता है मतलब बहुत अच्छा अपनी तारीफ़ क्या करना लेकिन हाँ ये ज़रूर है जो भी खाता है कहता है इतना भरा हुआ पराठा मैंने किसी का खा नहीं खाया है मतलब गोभी का पराठा कोई भर नहीं कई बार ना भर नहीं पाता है बेल नहीं पाता है पर मैं तो ना इतने अच्छे से भरती हूँ इतनी गोभी में चार पराठे बनाए थे मैंने पूरी गोभी इतने अच्छे से भरा है इसको तो आटा कम लेती हूँ और गोभी और ना इसमें कोई मैं निचोड़ती हूँ गोभी को कोई पानी नहीं निकालती बस ये है कि फटाफट जैसे ही घिसती हूँ तुरंत ही बना लेती हूँ रखती नहीं हुआ अगर इसको आपने रख दिया तो इसको नहीं बेल पाएंगे गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा आटा फिर तो ये नहीं बेला जाता है तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से चार पाँच चम्मच भरा हुआ है और बस अभी इसको बंद कर दूँगी तो इसका आटा थोड़ा सा गीला होना चाहिए तभी ये सही से बनता है और अब इसको मैं आटा सूखा लगा के और बेल लूँगी तो गोभी के पराठे में यही है कि आप इसको ना घिस कर रख नहीं सकते नमक डालकर फिर तो इसमें पानी बहुत छूट जाएगा और फिर बिल्कुल नहीं भरा जाएगा इसमें तो इसको जैसे ही घिसो फटाफट से मसाला मिला के और बस बना लो जितने बनने हैं तो दो तवे भी रख सकते हैं जिससे कि फटाफट बेल के पहले इसको सेक लिया जाए हल्का हल्का और बाद में घी लगाकर आराम से सेक लीजिए तो भी ये बन जाता है तो यहाँ देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे फट रहा है लेकिन फटता नहीं है ये थोड़ा तो गीला होता है इसका अगर निचोड़ा ना जाए तो बस यहाँ पर मैं धीरे से इसको रख देती हूँ क्योंकि तेल डाला है इसमें अगर तेज़ी से रखूँगी तो पूरा छींटा आएगा ऊपर तो देखिए मैं किस तरह से भर रही हूँ और दबाते हुए भरती हूँ इसको खूब अच्छे से क्योंकि आलू का या फिर किसी और का पराठा तो लोग भर लेते हैं पर ये गोभी का भरने में ना थोड़ी सी मुश्किल आती है और बस इसको दबाते हुए बंद कर लेना है और चिपका लेना है अच्छे से कि खुले ना और सूखा आटा लगा के इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है तो यहाँ पर सरसों का तेल का बना रही हूँ घर में कई लोग आ, बहुत ज़्यादा परहेज वाले हो गए घी नहीं खाते हैं तो सरसों का तेल का बन रहा है और देसी घी का भी बनाऊँगी मुझे तो वैसे घी का ही अच्छा लगता है पराठा कुछ चीज़ें सरसों के तेल में अच्छी लगती हैं जैसे कि आ, बेसन का कोई चीज़ होती है बेसन का चीला वगैरह तो सरसों में ही अच्छा लगता है और बस अभी इसको देखिए सेक लिया है तो बिल्कुल भी इसमें कोई आ, मोटी परत नहीं होती है आ, आटे की एक जैसे कई लोग बनाते हैं ना जो आटे की परत बहुत मोटी हो जाती है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसमें बिल्कुल आ, लेयर दोनों अच्छी से फूल जाती है अच्छे से भरा जाता है सीखना सही से चाहिए आ, लो टू मीडियम फ्लेम पर जिससे कि अंदर भी गोभी कच्ची ना लगे पक जानी चाहिए धीमी धीमी आंच पे तो यहाँ देखिए करारस पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है तो दिन में कर्ड राइस खा के तो पच गया था सबका भूख लगी थी इसीलिए मैंने पराठा बना लिया है नहीं तो ज़्यादातर शाम को नहीं बनाती हूँ कुछ भी जो भी रखा होता है दिन का वही चल जाता नहीं तो फिर बस दूध पी लेते हैं लड्डू वगैरह खा लेते हैं रात में या कभी सूप बन जाता है या कोई चीज़ बॉयल हो जाती है चने हुए कॉर्न हुआ इस तरह का रहता है और ये देखिए कितना अच्छा पराठा बन रहा है तो एक बड़ा गोभी था उसमें मैंने थोड़ा सा ही छोड़ा था सारा घिस लिया था और चार पराठे बने थे बिल्कुल ट्राई और इसमें ना वो भी है क्या बोलते हैं अदरक भी है मिर्ची भी लेना अरे ठीक से लो ना कैसे कैसे गिरा रहे हो इससे नहीं बेटा सरसों बनाया है आज मैंने देखना कैसा बना है और इसको बिल्कुल छुलाना नहीं इसमें नमक तो देखा आपने अचार खाना शुरू भी हो गया है और जिस दिन रखते हैं मुझे तो ना उसी दिन बहुत अच्छा लगता है वैसे जैसे जैसे ये टाइम बीतता है ये खट्टा भी होता जाता है और गलने भी लगता है फिर उतना मज़ा नहीं आता खाने में तो ये दस दिन बारह दिन तक तो अच्छा रहता है तब तक फिर टाइम हो जाता है फिर से डाल लीजिए क्या ज़रूरत है कि दो महीने का अचार बना के रख लिया जाए बस आलस नहीं होना चाहिए काम करने का और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कितना भरा हुआ पराठा है ये देखिए कितने अच्छे से भरा दिख रहा है गोभी ये पास से मैं दिखाती हूँ ये देखिए है ना तो इसमें प्याज का साथ में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मैं भी अचार से खा रही हूँ तो बहुत मज़ा आ गया था खाकर बहुत टेस्टी बना था बस अब ये टाइम आ गया रात का तो रात में काफ़ी गैप के बाद फिर हल्दी का दूध बना था तो वो भी पिया था तो ये बहुत फ़ायदा करता है हल्दी का दूध तो मेरी कोशिश रहती है कि हर तरह से अच्छे से अच्छा सेहत से भरपूर चीज़ खाई जाए और सब स्वस्थ रहें घर में क्योंकि मुझे बीमारियों से बड़ा डर लगता है स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ कल के ब्लॉग में